कि ये जो 25 लाख रुपए हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे इंडिया के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव ने ऑफर किए थे। तो पकड़ने तो ये लोग दाऊद इब्राहिम को गए थे, लेकिन इनके हाथ में आईपीएल की मैच फिक्सिंग लग जाती है। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा था कि मनोज प्रभाकर को चौड़े टायर वाली मारुति जिप्सी चाहिए थी, तो एमके गुप्ता ने कहा, सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, तो वहां पे सचिन ने कहा इस डील के लिए अजहरुद्दीन को 50 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं। ताज पैलेस होटल में एक लॉकर खुलवा रखा था जहां पे लोग कैश जमा करते थे। पान वाले से ज्वेलरी शॉप तक कोई भी बुकी बना घूम रहा है। इस बार जिस आदमी का नाम आता है सामने उसको सुन के दिल्ली पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। श्रीसंत के रूम में जाती है तो वहां पे श्रीसंत के साथ फिक्सर जीजू जनार्दन भी थे और दो लड़कियां भी थी। एक 10th क्लास के बच्चे तक को पता है कि अगर उसको सट्टा लगाना तो उसको किसके पास जाना, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता है। देखिए, जब 1983 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो उसके करीब 11 साल बाद तक, यानी कि 1994 तक, एक आम आदमी को ये तक नहीं पता था कि एक क्रिकेट मैच फिक्स भी हो सकता है। फिर सितंबर 1994 में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है और ये पहली बार था जब बड़े लेवल पे आम जनता को भी मैच फिक्सिंग के बारे में पता चला। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शेन वॉन ने कहा कि पाकिस्तान टीम के सलीम मलिक सीरीज के टाइम पे उनके होटल रूम में आए थे और कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर ही अगर सीरीज हार जाएगी तो हमारे घर जला दिए जाएंगे, इसलिए आप 2,76,000 US dollars ले लो, यानी कि 2 crore से भी ज्यादा, लेकिन ये वाला मैच आप हार जाओ। ये चीज शेन वॉन, टिम मे और मार्क वॉन ने अपने कोच, कैप्टन और मैच रेफरी को बता दिया था उस समय। Our houses will get burnt down. Our families' houses will get burnt down. 200,000 US dollars cash for you and Tim May. और आगे चल के शेन वॉन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी इसके बारे में बात की है, वो यूट्यूब पे अभी भी पड़ी है। और जब ये बात बाहर आई तो जो आम जनता थी वो काफी गुस्सा आ गया उनको कि ये तो हमारे साथ धोखा है। और जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने अलग से कमीशन बनाया और कई इंसिडेंट्स को उठा के इंक्वायरी स्टार्ट कर दी ताकि पता चल सके कि सच में मैच फिक्सिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो इसमें 2 लोगों के नाम आए, एक सलीम मलिक और दूसरे थे वसीम अकरम। इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक के ऊपर तो लाइफ टाइम बैन लगा दिया और वसीम अकरम के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि इनके खिलाफ सबूत कम पड़ गए हैं, वरना ये भी दूध के धुले नहीं है। सलीम मलिक इस दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिसको क्रिकेट मैच फिक्सिंग के लिए बैन लगा के जेल भेजा गया, लेकिन 2008 में पाकिस्तान के एक लोकल कोर्ट ने इनका बैन हटा दिया था। उस टाइम के जस्टिस मलिक कयूम की जो रिपोर्ट थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, एक बार आप पढ़ लेना। देखिए, इस पूरी वीडियो की एक भी चीज मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, अभी आगे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं, तो इन सब के बारे में मैंने सीबीआई की रिपोर्ट, कोर्ट के जजमेंट, सेशन कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर, रिलायबल रिसर्च पेपर और आर्टिकल से पढ़ के बोल रहा हूं। इन सब के लिंक मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए, एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम तक मैच फिक्सिंग की बात नहीं होती है, लेकिन 3 साल के बाद यानी कि 1997 में ये जो मैच फिक्सिंग का जिन है वो लोगों के सामने फिर से आके खड़ा हो जाता है। आउटलुक मैगजीन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का एक इंटरव्यू ले रही थी, उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि आज से कुछ साल पहले यानी कि 1994 में श्रीलंका के अंदर एक सिंगल सीरीज हो रही थी, उसमें मेरे टीममेट ने मुझे मैच हारने के लिए 25 लाख ऑफर किए थे। आगे चल के बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा ने कहा कि ये जो 25 लाख रुपए हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे इंडिया के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव ने ऑफर किए थे। देखिए, इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को पूजते हैं, अगर मैच हार जाए तो कई लोग तो खाना तक नहीं खाते, और वहां पे ऐसी चीजें जब सामने आई थी तो आम जनता में बहुत गुस्सा फूटा था। इसके बाद बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा दी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देख रहे थे। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन होती है और अक्टूबर 1997 को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है जिसका नाम था चंद्रचूड़ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। इस रिपोर्ट को मीडिया को हैंड ओवर कर दिया गया लेकिन ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चन भी उठे थे कि इसमें सही से इंक्वायरी नहीं हुई है, काफी चीजें इसमें उठी थी। इस पूरी रिपोर्ट में मोटा मोटी जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जी ने यह कहा था कि लार्ज स्केल पर सट्टा खेला जा रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसके 3 साल बाद यानी कि ईयर 2000 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आती है 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए। पहला टेस्ट 19th ऑफ फरवरी 2000 में होना था और आखिरी ओडीआई 19th ऑफ मार्च 2000 को खत्म होना था। जब ये मैच चल रहा था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक आदमी था सलीम हथेली, जो बेसिकली इंडिया के अंदर फिरौती वगैरह लेता था बड़े लोगों से, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे सलीम हथेली ने अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर्स के जो मालिक थे उनसे फिरौती मांगी और ये जो दोनों बिजनेसमैन थे इन्होंने फिरौती देने की बजाय पुलिस को जाके बता दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सीजन में ह्यूमिडिटी की वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है, लेकिन अगर इसको इग्नोर करो तो बाद में एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं। इनफैक्ट 20s और 30s वाले लोगों में हेयर लॉस की समस्या कॉमन हो गई है जो पहले 50s में होती थी, और इसके पीछे ह्यूमिडिटी छोड़ के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, डाइट,
हॉर्मोन्स, जीन्स। इसलिए हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए इसका रूट कॉज क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि हेयर फॉल के 7 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1-4 ये ट्रीटेबल है, लेकिन उसके बाद दिक्कत आती है। इसलिए जब ये हेयर फॉल मैंने खुद फेस किया तब मुझे ट्राया के बारे में पता चला। ट्राया के डॉक्टर्स द्वारा बनाया हुआ जो हेयर टेस्ट है वो आपके हेयर फॉल की स्टेज और रूट कॉज को एनालाइज करके आपके लिए एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान तैयार करता है जिसको डॉक्टर से अप्रूव करा के आपको भेजा जाता है। और ऐसा करके इन्होंने 93% तक रिजल्ट्स दिखाए हैं। आप भी ट्राया ट्राई कर सकते हो। स्टेप 1, traya.health पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। स्टेप 2, अपना कस्टमाइज्ड 1 month किट खरीदिए। स्टेप 3, फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखिए। यूज माई कोड 20nitish टू गेट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। जल्दी करें, ये ऑफर सिर्फ 5 दिन तक वैलिड है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। पुलिस ने एक प्लान बनाया कि इनकी जो कॉल आ रही है, जो सलीम हथेली इनको कॉल कर रहा है, इसको कंटिन्यू रखवाते हैं ताकि पता चल सके कि इंडिया के अंदर इनके जो लिंक है वो कहां कहां फैले हुए हैं और सलीम हथेली को भी पकड़ सके इससे। ये दोनों बिजनेसमैन जैसा जैसा पुलिस कहती है वैसा कहते हैं, नेगोशिएशन में भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें सलीम हथेली यहां तक रेडी हो गए थे कि पैसे की बजाय हमें टायर्स ही दे दो। तो ये सारी चीजें ट्रैक हो रही थी और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह इनके बीच में जो भी बात होती थी उसका पूरा ट्रैक रखते थे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जब इस पूरी कॉन्वर्सेशन का ट्रैक रख रहे थे तो उनको एक काफी शॉकिंग चीज पता चलती है। जो नंबर था जिससे सलीम हथेली इन बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, इनमें से एक नंबर BSNL का फोन नंबर था जिसको बहुत पहले कृष्ण कुमार ने भी यूज किया था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई थे और गुलशन कुमार की डेथ के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का नाम आ गया था। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, इसलिए पुलिस ने BSNL की मदद ली इंडिया के अंदर और कृष्ण कुमार जो करंट फोन यूज कर रहे थे उस फोन को भी टैप कराना शुरू कर दिया। डेली बेसिस पे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल की ड्यूटी थी कि वो रोटेशनल शिफ्ट लगाएंगे और 24 घंटे दिन रात कृष्ण कुमार का फोन सुनेंगे। अब 19th of February 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था और सारी टीम स्टेडियम से थोड़ी दूर पे एक होटल था, ताज होटल, उसमें रुकी थी। इस मैच से 2 दिन पहले कृष्ण कुमार के दोस्त संजीव चावला लंदन से आते हैं और उनके पास इंडिया का नंबर नहीं था, तो उनके दोस्त कृष्ण कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दे दिया था यूज करने के लिए। और संजीव चावला भी सेम होटल जहां पे टीम रुकी थी वहीं पे रुकते हैं। ये जो नाम मैं बता रहा हूं संजीव चावला, ये याद रखिएगा। आगे चल के जितनी भी मैच फिक्सिंग हुई है सबकी जड़ यही संजीव चावला से जुड़ी है। तो टेक्निकली 2 कांस्टेबल जिनको कृष्ण कुमार का फोन सुनने के लिए लगाया गया था वो अब संजीव चावला का फोन सुन रहे थे। ये जो दोनों कांस्टेबल थे ये दिन रात ढूंढ रहे थे कि शायद इनमें से कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन मिल जाए, लेकिन कई दिन तक फोन सुनने के बाद इन्होंने ये कहा कि इनका कोई भी कनेक्शन नहीं अंडरवर्ल्ड से, ये लोग बस क्रिकेट मैच देखते रहते हैं और पूरे दिन बस यही बात करते रहते हैं कि कैच पकड़ लिया, कैच नहीं पकड़ा, आउट किया। लेकिन इस पे भी जो इनके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि शायद कोई कोड वर्ड हो, तो उस पे भी ये लोग कहते हैं कि कोड वर्ड भी नहीं है, जो लाइव मैच चल रहा होता है उसके हिसाब से ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो कोई कोड वर्ड नहीं है इसमें। बीच-बीच में बस एक आदमी आता है जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलता है और इधर से सब लोग टूटी-फूटी इंग्लिश में बात करते हैं, तो कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला इसमें। इस डिस्कशन के कुछ दिन बाद इनमें से एक कांस्टेबल घर में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा था और इसी बीच में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंसी क्रोंजे कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और ऐसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं वो कमेंटेटर से। ये आवाज सुन के जो कांस्टेबल था उसका दिमाग एकदम से घूमता है कि ये तो वही आवाज है जो दिन रात वो बैठ के फोन टैपिंग पे सुनता है। अब ये चीज जब वो आगे बताता है तो इस बात को पुलिस की टीम सीरियसली लेती है और सबसे पहला काम वो ये करती है कि वो दूरदर्शन से मैच की फुटेज मंगवाती है और जो अभी तक फोन रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें से हेंजी क्रोंजे का सैंपल लेके उससे मैच कराती है जो एकदम सेम निकलती है। लेकिन इतने सबूत काफी नहीं थे इसलिए वो और श्योर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे और ध्यान से फोन रिकॉर्डिंग सुनी। जो बात ये लोग फोन पे करते थे नेक्स्ट डे वही सारी चीजें मैच में होती थी, जैसे प्लेइंग 11 कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले ओवर कौन फेंकेगा, ये सब नेक्स्ट डे में एज इट इज होता था। और जो इतने टाइम से पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी, 14 मार्च 2000 को पुलिस फोन सुन रही थी और इधर से आवाज आती है, हेलो हाय हेंजी। और इसके साथ साथ जो बात हो रही थी उस फोन रिकॉर्डिंग पे जो रूम नंबर मेंशन हुआ था होटल का वो भी हेंजी क्रोंजे का था। इसके बाद पुलिस इस चीज को लेकर तो कंफर्म हो जाती है कि उधर से जो बात कर रहा था वो आदमी साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन हेंजी क्रोंजे है और इंडिया के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही है। तो एक्चुअल में अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स का एक्सटॉर्शन की केस की इंक्वायरी करते करते पुलिस के हाथों गलती से संजीव और हेंजी क्रोंजे लग गए और इंडिया का पहला बड़ा मैच फिक्सिंग का केस एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया। अब देखिए पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि उनके पास सारे सबूत आ तो गए थे जिसमें संजीव चावला, हेंजी क्रोंजे, हर्षल गिब्स, निकी, पीटर स्ट्रेडॉम के नाम थे, लेकिन अगर पुलिस उसी टाइम केस फाइल करती तो इंक्वायरी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को अरेस्ट करना पड़ता और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता जिसमें दो देशों की रेपुटेशन आमने सामने आ जाती। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि वो सीरीज खत्म होने का वेट करेंगे और उसके बाद सारे प्रूफ सामने रखेंगे। लेकिन इसके चक्कर में एक नुकसान होता है पुलिस को, पुलिस के हाथ से संजीव चावला निकल जाता है। जो फाइनल ओडीआई की डेट थी उससे
चार दिन पहले संजीव चावला लंदन वापस चला जाता है। हालांकि आगे चल के 2020 में उसको इंडिया लाके तिहाड़ जेल में डाला जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो बच के निकल गया था। तो इधर पुलिस सीरीज खत्म होने का वेट तो कर रही थी और फोन भी सुन रही थी साथ साथ में, और उसी टाइम पे उनको संजीव और हेंजी क्रॉन्जे का एक डिस्कशन सुनाई आता है, जिसमें हेंजी क्रॉन्जे ने कहा कि डोंट वरी, निकी, हर्षल गेव और पीटर जो है वो 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से संजीव चावला ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उस केस में क्या होगा। इधर से हेंजी क्रॉन्जे कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, उस केस में भी इंडिया 250 रन से ज्यादा नहीं बनाएगी। और अगले दिन मैच होता है तो इंडिया पहले बैटिंग करती है और 248 रन ही बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है, हर्षल गिब्स एग्जैक्ट 90 रन पे आउट हो जाते हैं, निकी 14 रन पे आउट होते हैं और पीटर जो थे वो 1 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका टीम मैच जीत जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती है और सीरीज खत्म होने का वेट करती है। मार्च के एंड में पुलिस केस फाइल करती है और मीडिया को भी सारे सबूत देती है, और इधर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद 8th of April 2000 को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका UCBSA की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में हेंजी क्रॉन्जे कहते हैं कि जितनी भी चीजें बोली जा रही हैं सारी की सारी झूठ है। लेकिन इन सारे स्टेटमेंट से काम चलता नहीं है। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्वायरी शुरू कर देती है और हेंजी क्रॉन्जे के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, सारे सबूत इनके खिलाफ चले जाते हैं। तब जाके हेंजी क्रॉन्जे मानते हैं कि उन्होंने फिक्सिंग की थी, और उन्होंने बोला कि आई फेल्ड इन माई मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलोजाइज। आई फेल्ड इन माई मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलोजाइज अनरिजर्वेडली। एपी आर्काइव करके एक यूट्यूब चैनल है, इन्होंने क्रॉन्जे क्रिकेट इंक्वायरी नाम से कई सारी ओरिजिनल वीडियोस डाली हैं हेंजी क्रॉन्जे की, उस कोर्ट में जो भी इंक्वायरी हुई, जो जो उन्होंने बोला और उन्होंने कैसे कैसे एक्सेप्ट किया, कई बार वो रो भी रहे थे, वो सारी चीजें इसमें डाली हुई हैं। इसके बाद डेट आती है 15th of June 2000, जिस दिन सबसे बड़ा बॉम्ब फूटता है इंडिया के अंदर। हेंजी क्रॉन्जे कहते हैं कि हाँ, मैंने पैसे लिए और पहली बार मुझे एमके गुप्ता यानी मुकेश गुप्ता से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मिलवाया था। उस टाइम पे एमके गुप्ता ने मुझे $30,000 दिए और मैच हार जाने को कहा, और टीम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसे कि टॉस कौन जीतेगा, पहले बॉल कौन करेगा, ये सब शेयर करने के लिए एमके गुप्ता ने $50,000 दिए। इसके बाद फैंस का गुस्सा पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फैला और ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। तो पहले तो एमके गुप्ता अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो पकड़ा जाता है। अब इंक्वायरी की शुरुआत में एमके गुप्ता कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे जान से मार दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर बनाने के बाद तो वो सारी कहानी डिटेल में बताता है, जो कि मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताने वाला हूं। देखिए, एमके गुप्ता एक बैंक का एम्प्लॉई था, ईयर 1988 के टाइम पे ये नॉर्मल पंटर था। देखिए, जो लोग मैच में पैसा लगाते हैं उनको पंटर बोला जाता है। तो एमके गुप्ता बैंकिंग आवर्स में जॉब करता था और उसके बाद पैसे लगाता था। ये काफी टैलेंटेड था और पढ़ा लिखा था, जो कि इस फील्ड में बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसकी काबिलियत को अंडरवर्ल्ड ने पहचान लिया और इसको एक अलग सा काम दिया। इसको काम दिया गया कि जो लोकल मैच होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे रणजी वगैरह, इनको जाके देखो, इसमें से जो टैलेंटेड प्लेयर्स लग रहे हैं आगे खेल सकते हैं इंडिया के लिए, उनसे नजदीकी बढ़ाओ ताकि आगे चल के हमारे काम आ सके। और एमके गुप्ता बिल्कुल एज इट इज करता है, वो लोकल मैचेस जितने भी होते थे उनको देखने जाने लगा। 1988 में दिल्ली के अंदर रामचरण अग्रवाल टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें अजय शर्मा नाम का एक यंग प्लेयर था, वो काफी अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे और काफी टैलेंटेड था, लेकिन काफी गरीब परिवार से था। तो इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद एमके गुप्ता उससे जाके मिलता है, बात करता है, उसको कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और ₹2,000 भी देता है, और कहता है कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। इसके बाद जो किट वगैरह होती थी, जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प होती थी, एमके गुप्ता जो था वो उसको टाइम टू टाइम करता था। और दो साल बाद यानी कि 1990 में अजय शर्मा का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही अजय शर्मा का सिलेक्शन होता है, सेम सीरीज जो न्यूजीलैंड में हो रही थी, उसी सीरीज से अजय शर्मा एमके गुप्ता को इन्फॉर्मेशन देने लगता है और दोनों पैसा कमाते हैं। और जब ये न्यूजीलैंड का टूर चल रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पे अजय शर्मा का जो रूममेट था वो था मनोज प्रभाकर। अजय ने जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से अजय कह रहा था कि वो तो नया था, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मनोज प्रभाकर बताते थे। सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा था कि मनोज प्रभाकर को 64 टायर वाली मारुति जिप्सी चाहिए थी। तो एमके गुप्ता ने कहा कि अगर वो अरविंदा डिसिल्वा से मिलवा देंगे तो वो जिप्सी उनको मिल जाएगी, और आगे चल के वो ऐसा ही करते हैं, वो मिलवा देते हैं और उनको वो जिप्सी मिल जाती है। अब जब सीबीआई की इंक्वायरी मनोज प्रभाकर पे पड़ी तो उसमें उन्होंने कहा कि 1992 में जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाली डील हुई थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे, और 1994 के सिंगर कप में कपिल देव ने 25 लाख का ऑफर दिया था मैच हारने के लिए, और आगे चल के 1991 में दिल्ली बॉम्बे रणजी ट्रॉफी
ट्वेंटी का जो क्वार्टर फाइनल था उसको भी फिक्स करवाया। दिल्ली जानबूझ के हार गई, अजय शर्मा भी उस टाइम पे दिल्ली की टीम में था, तो और आसानी हो गई थी। अब इंक्वायरी में इन्होंने आगे ये बताया, अजय शर्मा को मोहम्मद अजहरुद्दीन बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड एक फैशन शो करवा रही है, उसके लिए उनको 1 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत है। अजय शर्मा ने कहा कि एक आदमी है एमके गुप्ता नाम का, वो इतने पैसे का अरेंजमेंट करा सकता है। इसके बाद अजय शर्मा जो थे वो अजहरुद्दीन और एमके गुप्ता की मीटिंग फिक्स कराते हैं ताज पैलेस दिल्ली में। और एज पर सीबीआई रिपोर्ट इस मीटिंग में अजहरुद्दीन कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट मैच बता दूंगा कि कौन सा इंडिया हारेगी और कौन सा जीतेगी। और इस डील के लिए अजहरुद्दीन को 50 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं और 50 लाख रुपए काम होने के बाद मिलते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी में एमके गुप्ता ने बताया कि अजहरुद्दीन ने कंफर्म बोला था कि इंडिया टाइटन कप हारेगी, उसके हिसाब से मैच में पैसे लगे थे। मैच शुरू होता है, अजहरुद्दीन 1 रन पे आउट हो जाते हैं, अजय जडेजा रन आउट हो जाते हैं, सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर अकेले ये पूरा का पूरा मैच जिता देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है इन फिक्सर्स का। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में जहां फिजियो तक शामिल था छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देके पैसे लेने के लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या ने साफ मना कर दिया था ऐसा कुछ भी करने को। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, तो वहां पे सचिन ने कहा कि अजहरुद्दीन अपना 100% नहीं दे रहे थे, टीम की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था स्लो खेलने के लिए। उसके बाद भी मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया बिना किसी वजह के स्लो खेल रहे थे, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर मैच के बाद उनसे गुस्सा भी हो गए थे और उनसे बात भी करना बंद कर दी थी। ये सारी पूछताछ करके सीबीआई ने अजहरुद्दीन को बुलाया। एज पर सीबीआई शुरू में तो अजहरुद्दीन ने मना किया, ये सब कुछ भी नहीं किया उन्होंने ऐसा बोला। और जब सीबीआई ने प्रॉपर्टीज के पेपर दिखाया, कार की लिस्ट दिखाई और कहा कि बगल वाले रूम में एमके गुप्ता बैठे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो उनको बुला के हम सामने कंफर्म करा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अजहरुद्दीन मान गए। और यही नहीं, सीबीआई ने अजहरुद्दीन के कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी निकलवाए, अजहरुद्दीन के कॉल इन सारे सट्टा लगाने वालों के पास गए थे, और ये जितने भी पैसा लेके मैच फिक्स करते थे ताज पैलेस होटल में एक लॉकर खुलवा रखा था जहां पे ये लोग कैश जमा करते थे। ये चीज एमके गुप्ता ने भी कंफर्म की, और जो होटल का स्टाफ था वहां पे उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि मैच के दौरान अजय शर्मा अजहरुद्दीन को कई बार कॉल करते थे। 21 मार्च 2000 को शारजा कप था जिसमें इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, जिसमें अजय ने अजहर को 5 कॉल की, और 5 दिन बाद एक और मैच था उस टाइम पे 7 कॉल की। और इसमें एक दो लोग नहीं थे, इसमें कई सारे लोग थे जो मैच फिक्सर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। जैसे अजय जडेजा ने चेन्नई के सट्टेबाज उत्तम चंद जैन, जिसको टोपी बुलाते थे, उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन देके फिक्सिंग की, कॉल बाय कॉल डिटेल्स हैं, एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। बाकी ये सारे पंटर के नाम और एड्रेस हैं जो इनसे कोऑर्डिनेट करके पैसे लगवाते थे, और ये सटोरी थे टोटल जो पैसा लगवाते थे। बाकी ये फॉरेन प्लेयर्स के साथ कैसे पैसे ट्रांसफर हुए और कितने हुए उसकी लिस्ट ये है। बाकी सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू, इन सब के स्टिंग ऑपरेशन करे गए थे, जो तहलका टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, फॉलन हीरो के नाम से पड़े हुए हैं, जहां पे कैमरा छुपा हुआ है और फिक्सिंग का पूरा डिस्कशन ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स साफ साफ बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ होगा। अब देखिए, सारी इंक्वायरी होने के बाद अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने 75 पेजेस की रिपोर्ट बनाई और उसको यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर सुखदेव सिंह ढींडसा को सबमिट करती है। इसमें सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचती है कि बड़े लेवल पे मैच फिक्सिंग हो रही थी, जिसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर्स और 9 इंटरनेशनल प्लेयर के नाम लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मनोज कुमार मुखर्जी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश सालवे ने कहा, ये जो केस सीबीआई ने बनाया है ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में, क्योंकि एक्चुअल में इसको लेके प्रॉपर लॉ ही नहीं है इंडिया में। जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके हिसाब से 4 केस बनाए जा सकते हैं इनके ऊपर, पब्लिक एक्ट 1867 सट्टा खेलने के लिए, सेक्शन 120A आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 415 आईपीसी चीटिंग के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 करप्शन के लिए। लेकिन जितने भी एक्ट बताए जा रहे थे ये लोग कोई सट्टा तो खेल नहीं रहे थे, ना ही कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। चीटिंग का केस भी कोर्ट में प्रूव करना आसान नहीं था, कोई स्लो खेल रहा है वो जानबूझ के खेल रहा है या कैसे खेल रहा है, इस चीज को लेके सजा दिलवाना आसान नहीं था जिस हिसाब से सबूत प्रेजेंट किए थे सीबीआई ने। करप्शन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता था क्योंकि ये लोग कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। लेकिन इसमें दिमाग लगा के अजहरुद्दीन और अजय शर्मा को सजा दिलवाने की कोशिश हुई, क्योंकि अजहरुद्दीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और अजय शर्मा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। लेकिन आगे चल के वो भी हल्के पड़ गए, क्योंकि इन्होंने जो डिसऑनेस्टी की थी वो एज अ पब्लिक सर्वेंट नहीं की थी बल्कि बीसीसीआई के प्लेयर बनके की थी, इसलिए ये भी हल्का पड़ गया। इसलिए आप देखोगे जब भी फिक्सिंग का केस होता है कोर्ट में एविडेंस हल्के पड़ जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं, बस बीसीसीआई का बैन लग जाता है, उसके बाद ये लोग रियलिटी शो वगैरह करते हैं लेकिन ये जेल नहीं जा पाते। इसलिए एक स्ट्रांग मैकेनिज्म बनाने की कई बार बात हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी गली में कोई पत्ते खेलते पकड़ा जाता है जिस लेवल की सजा उसको होती है, सेम उसी लेवल की सजा ये जो करोड़ों रुपए की फिक्सिंग करते हैं उनके ऊपर भी होती है। जब सीबीआई की रिपोर्ट
सबमिट हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने कहा कि द लॉ अपीयर्स टू बी हेल्पलेस बिफोर दीस क्रिकेटर्स। ये जो इंसिडेंट हुआ सब कोर्ट में तो बच गए लेकिन बीसीसीआई को पता था इन्होंने क्या किया था इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था और इस बैन की वजह से काफी टाइम तक शांति रही और फिक्सिंग के केस नहीं आए। लेकिन 13 साल बाद यानी कि 2013 में आईपीएल आया और रणजी के प्लेयर्स के थ्रू सटोरी फिर से फिक्सिंग करने में कामयाब हुए और ये जो आईपीएल की फिक्सिंग का केस पकड़ा गया था ये भी एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया था। एक्चुअली होता क्या कि जनवरी 2013 के स्टार्टिंग में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की। इन 42 लोगों के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी करने का इल्जाम था। इसमें कई पाकिस्तानी थे लेकिन मेन इसमें जो थे वो थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप सैंडी। इनको पकड़ने के लिए सीबीआई काफी दिनों से लगी थी और सीबीआई के हाथ कुछ इंटरनेशनल लगे जिसकी फोन टैपिंग कराने का काम सीबीआई ने स्पेशल सेल को दे दिया था। इसमें एक पाकिस्तानी नंबर था +92333206448 और एक दूसरा नंबर था जो कि दुबई से था +97156136378 और फरवरी 2013 के लास्ट में इन नंबर की फोन टैपिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इनकी रिकॉर्डिंग को सुन के पता चलता है कि इन नंबर्स पे बात हो रही थी अश्विनी अग्रवाल जिसको टिंकू मंडी नाम से भी जाना जाता था अंडरवर्ल्ड में और इस टिंकू मंडी की बात चल रही थी सुनील भाटिया और किरण ढोले से। ये दोनों फिक्सर थे और जब सुनील भाटिया और किरण ढोले की जब कॉल ट्रेस की गई तो इनकी बात चल रही थी राजस्थान आईपीएल टीम के प्लेयर अजीत चंडीला से और आगे जब और ट्रेस किया गया तो इनकी बात चल रही थी जीजू जनार्दन से जो कि केरला से थे और जब जीजू जनार्दन की रिकॉर्डिंग ट्रेस की गई तो उसका लिंक निकला श्रीसंत से। तो पकड़ने तो ये लोग दाऊद इब्राहिम को गए थे लेकिन इनके हाथ में आईपीएल की मैच फिक्सिंग लग जाती है और जब लोधी रोड पुलिस स्टेशन में इस चीज का पता चलता है तो पुलिस इस पूरे रैकेट की फोन रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट करती है। अब क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला था तो पुलिस को बहुत ही सॉलिड प्रूफ इकट्ठे करने थे। इधर चुपचाप दिल्ली पुलिस रिकॉर्डिंग सुन रही थी, दूसरी तरफ सेम टाइम पे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल राकेश मारिया को इन्फॉर्मेशन आती है कि एक नंबर से पाकिस्तान में बार बार कॉल जा रही है और जब इस कॉल को ट्रेस किया गया तो ये नंबर निकलता है आईपीएल के अंपायर जो कि पाकिस्तान से थे असद रौफ का। लेकिन मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दोनों टीमें एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं कर रही थी। थोड़ा जो क्रेडिट लेने का गेम होता है वो भी चलता है पुलिस डिपार्टमेंट में तो उस वजह से दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इधर दोनों तरफ रिकॉर्डिंग चल रही थी और डेट आती है 5th of May 2013। राजस्थान और पुणे वॉरियर का मैच था जयपुर के अंदर और कॉल रिकॉर्डिंग में अजीत चंडीला और अमित सिंह की बात चल रही होती है जिसमें अमित सिंह जो कि एक फिक्सर था उसने अजीत चंडीला को बोला कि अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज्यादा देने होंगे और अजीत चंडीला कहते हैं कि ऐसा ही होगा। अगले दिन मैच होता है और सेम वैसा ही होता है। अजीत चंडीला ने 14 रन तो दिए लेकिन अजीत चंडीला सिग्नल देना भूल गए तो जो फिक्सर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये लोग पैसा नहीं लगा पाए थे। आगे की कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी आया था कि ये जो फिक्सर था ये अजीत चंडीला से पैसे वापस मांग रहा था कि तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। ये सारा डिस्कशन जो दिल्ली पुलिस थी वो रिकॉर्ड कर लेती है। अब इसके चार दिन बाद 9th of May 2013 को राजस्थान और पंजाब का मैच था, पुलिस अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी लेकिन इस बार जिस आदमी का नाम आता है सामने उसको सुनके दिल्ली पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। ये लोग जीजू जनार्दन जो फिक्सर था उसको ट्रेस कर रहे थे और रिकॉर्डिंग से पता चला कि जीजू जनार्दन श्रीसंत से कहता है कि सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन देने हैं और सिग्नल भी देना है, एक तो टावल लगा लेना और जो ओवर करने से पहले वार्म अप करते हैं उसको थोड़ा लंबा करना ताकि पैसा लगाने का टाइम मिल सके हम लोगों को। जो फ्रंट पर रहने वाला एक शख्स जो अरेस्ट हुआ है जीजू नाम का आदमी है उसकी और एक बुकी है इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें ये डिसाइड हो रहा है श्रीसंत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज्यादा देगा। दिल्ली पुलिस ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है और नेक्स्ट डे मैच में बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन अजीत चंडीला लास्ट टाइम की तरह गलती नहीं करते हैं। पहले वो प्रॉपर दो बार टी शर्ट उठा के सिग्नल देते हैं उसके बाद रन देते हैं। भाई इंडिकेशन क्या दोगे? इस पे अजीत चंडीला ने बताया कि भाई ओवर शुरू करने से पहले अपनी दोनों टी शर्ट ऊपर उठाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे करूंगा और फिर मैं ऊपर की ओर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। इसके बाद 15th of May को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और राजस्थान के मैच में फिर से जो सिग्नल अंकित चौहान को देना था वो दिया जाता है। अपने सेकंड लास्ट ओवर में जो रन सेट हुए होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अब यहां से पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठे हो गए थे और पुलिस डिसाइड करती है कि अब इनको पकड़ा जाएगा। 15th of May को जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस की काफी बड़ी टीम एक साथ दिल्ली और मुंबई में रेड मारना स्टार्ट करती है। एक टीम जितने भी क्रिकेटर थे जैसे श्रीसंत, अजीत, अंकित इनको पकड़ने निकलती है और दूसरी टीम ये जितने भी सटोरी थे
उनको पकड़ने निकलती है। 15 मई की रात को श्रीचंद मुंबई के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में थे और जब पुलिस उस होटल में पहुंच के श्रीचंद के रूम में जाती है तो वहां पे श्रीचंद के साथ फिक्सर जीजू जनार्दन भी थे और दो लड़कियां भी थीं। इनके रूम से 72,000 कैश मिलता है, डेटा कार्ड, इंग्लिश और मलयालम में श्रीचंद के हाथों से लिखी हुई एक डायरी मिलती है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलते हैं। अब यहां से पुलिस इनको उठा के होटल ट्राइडेंट, जहां पे राजस्थान की पूरी टीम रुकी हुई थी, वहां ले जाती है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। पुलिस वहां पे जाके राजस्थान रॉयल की टीम के CEO रघु अय्यर को वारंट वगैरह दिखा के बताती है कि श्रीचंद को हमने अरेस्ट किया है, वो गाड़ी में है, अजीत और अंकित को हमको और अरेस्ट करना है, फिक्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और इसके बाद पुलिस रूम में रेड मार के दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद राजस्थान टीम के कैप्टन, कोच, CEO, ओनर, IPL के हेड, सबको पता चल जाता है और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग खुद ही सबको बता देते हैं, क्योंकि पूरे मीडिया में किसी भी खिलाड़ी का नाम उछाल दिया जा रहा था, किसी भी ओनर का नाम उछाल दिया जा रहा था। तो इस वजह से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डिटेल मीडिया को बता देते हैं। अब दिल्ली पुलिस की तो बहुत वाहवाही होती है और मुंबई पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात थी कि उनको कुछ हवा ही नहीं लगी कि उनकी सिटी में चल क्या रहा है। लेकिन इसके बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आती है और पाकिस्तान अंपायर असद रौफ की उसमें जो नाम आया वो था BCCI के जो चेयरमैन थे एन श्रीनिवासन, उनके दामाद और CSK टीम के मैनेजमेंट में भी थे वो, जिसका नाम था गुरुनाथ मयप्पन। गुरुनाथ मयप्पन काफी टाइम तक भागते रहते हैं लेकिन 24 मई 2013 को गुरुनाथ मयप्पन इनको भी अरेस्ट कर लेती है पुलिस। इसके बाद और ट्रेस किया गया, इनके पास जो फिक्सर्स के नंबर मिले उनका लिंक पाकिस्तान के बुकीज से निकला। फिर और ट्रेस किया गया तो उसमें उनको एक नंबर मिलता है 1 जून 2013 को, वो नंबर था +92 333-206-4488। ये नंबर था दाऊद इब्राहिम का और इस खुलासे में तब पता चलता है ये जो पूरा मैच फिक्सिंग का गेम है ये पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड चला रहा है। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। ये सारी डिटेल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चार्जशीट में टेलीफोन इंटरसेप्ट्स, वॉइस सैंपल्स रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL की रिपोर्ट भी लगाई, जिसमें ये कहा गया कि जो सैंपल दिए गए हैं उनमें से एक आवाज दाऊद इब्राहिम की है। CFSL की रिपोर्ट में कई सारी चीजें लिखी गई थी, जैसे कि बुकीज और क्रिकेटर अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे जैसे जावेद चटनी और सलमान, इन सब लोगों से बात कर रहे थे जो अभी पाकिस्तान में है। इस चार्जशीट में साफ साफ लिखा था बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में बेटिंग चल रही है, गली में पान वाले से ज्वेलरी शॉप तक कोई भी बुकी बना घूम रहा है और इस सब का लिंक अंडरवर्ल्ड से, और ये जितना भी पैसा लगता है मैच के अंदर ये सारा कुछ हवाला के थ्रू सेटल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लॉ अभी भी इस तरह की फिक्सिंग के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोर्ट में इन रिकॉर्डिंग के बेसिस पे सजा दिलाना काफी मुश्किल होता है, तो किसी को सजा नहीं होती है। जैसे इन खिलाड़ियों के ऊपर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका लगा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सबके सब बच गए। एक 10th क्लास के बच्चे तक को पता है कि अगर उसको सट्टा लगाना है तो उसको किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता है।